हेलो लिबे लोइटा, गुटेन आबेन वी गेट्स। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मोडाल वर्बन, राइट? सो बेसिकली मोडाल वर्बन क्या होते हैं? दे आर द वर्ब्स दैट शोज द मोडालिटी, द स्टेट, द आर्ट एंड वाइज हाउ अ वर्ब इज यूज्ड, राइट? द मेन वर्ब एंड दीज मोडल वर्ब्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, फाइन? फॉर एग्जाम्पल, वोलन, क्यूनेन, ड्यूरफेन। जर्मन लैंग्वेज में टोटल 6 होते हैं, द सिक्स मॉडल वर्ब्स इन जर्मन लैंग्वेज। आज फर्स्ट लेसन है उसका, इसमें हम 3 करेंगे, अगले लेसन में 3 करेंगे, राइट? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश से ताकि हमको सिमिलरिटी समझ में आ सके। आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी, ठीक है? आई ड्रिंक टी मतलब मैं चाय पीता हूँ, सीधी सी बात है, आई ड्रिंक टी। लेकिन इसमें वॉन्ट लगा दिया, सो दैट शोज द मोडालिटी, द स्टेट, द आर्ट एंड वाइज किस तरीके से ड्रिंक यूज हो रहा है, फाइन, राइट? सो इसी को हम जर्मन में कैसे बोलेंगे? इच विल टे ट्रिंकिन। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी, सो इच विल टे ट्रिंकिन, सो दिस इज वोलेन। अब वोलेन का कंजुगेशन है विल, राइट, फॉर इच। सो इच विल, आई वॉन्ट, सेकेंड पोजिशन पे ऐसे ही वर्ब आ गया, सो दिस इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब एंड सो इट विल कम इन द सेकेंड पोजिशन। उसके बाद से आएगा ऑब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब जो रहेगा इसके साथ, दैट विल गो टू द एंड, दैट विल डू इन डिटेल द रूल्स फॉर दिस, राइट? सो इसमें आप चेंज क्या देख रहे हैं? ये जो टू है ना, ये जर्मन में टू के जैसा टू नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा जो मेन वर्ब है ड्रिंक, दैट विल गो इन द एंड। लाइक इन इंग्लिश वी कैन से आई वॉन्ट टू टी ड्रिंक, दैट्स रॉन्ग, साउंड्स ऑकवर्ड, राइट? बट इन जर्मन यू कैन से इक विल ड्रिंक एंड टे, दैट इज ऑकवर्ड इन जर्मन, फाइन, दैट इज रॉन्ग। इक विल ड्रिंक एंड टे ऐसा नहीं बोल सकते, इच विल टे ट्रिंकिन। एंड जो मेन वर्ब रहेगा वो एंड में जाएगा, वो नेचुरल फॉर्म में आएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, राइट, फाइन। क्योनेन दूसरा वर्ब रहेगा हमारा, क्योनेन। क्योनेन इज लाइक इट शोज द एबिलिटी, जैसे इंग्लिश में कैन होता है, फाइन। ड्यूरफेन, ड्यूरफेन शोज द परमिशन, राइट, जैसे इंग्लिश में होता है मे आई कम इन सर, फाइन, इन दैट सेंस इट्स यूज। लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल, इच विल इंजियन योर वर्डन। सो ये विल क्या है? वोलन का कंजुगेशन है, दैट मीन्स टू वॉन्ट, वोलन इज टू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर, एर विल इंजियन योर वर्डन, ही वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, राइट? सो विल का कंजुगेशन लगाएंगे एंड देन इंजीनियर लगाएंगे, उसके बाद से वर्डन, वर्डन इज टू बिकम, इच वर्डन इंजीनियर, एर विल इंजीनियर मीन्स ही विल बिकम इंजीनियर, बट ही वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, मतलब ये जो वर्डन है टू बिकम है, उसकी मोडालिटीज क्या है, वो किस तरीके से यूज हो रहा है, ये बता रहा है विल, वॉन्ट, राइट? सो एर विल इंजीनियर वेडन, सो वर्ब इज गोइंग इन द मेन वर्ब विल गो इन द एंड। नाउ अभी हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में कंजुगेशन, उसके बाद से देखेंगे अप्लीकेशन। एक तो इसका बेसिक सेंस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी सेंस में यूज होगा, उसके अलावा भी उसके यूज होते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा इंपेरेटिव में, तो उसका बेसिक सेंस क्या होता है? ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। लेकिन उसके सारे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे, तो उसी तरीके से हम ये भी करेंगे, राइट? सो फर्स्ट विल सी द कंजुगेशन। इसके कंजुगेशन में एक खास बात यह है, इसका जो इक का कंजुगेशन है वही होता है एर जी एस के लिए भी, मॉडल वर्ब्स के लिए चीजें याद रखें, फाइन। सो वोलन का कंजुगेशन क्या होगा इक के लिए? विल। इट्स इरेगुलर काइंड ऑफ कंजुगेशन, सो इसको ध्यान रखना, इट्स नॉट वोला, राइट? सो इच विल, डू का विल्स्ट, एर जी एस का विल, ईयर का वोल्ट, वी आर जी एन जी लास्ट वाला, ये सारे तो बोले नहीं रहेंगे, फाइन। द वॉज अ मिस्टेक, आई विल जस्ट करेक्ट इट फॉर दिस 3 गाइज, ठीक है? सो ये लास्ट वाले अपने तीनों बोले नहीं रहेंगे, सो कंजुगेशन का जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा हो गया अपना क्योनेन, क्योनेन इज टू कैन, जो कैन होता है इंग्लिश वाला, इट शोज एबिलिटी, जैसे आई कैन डू दिस, आई कैन स्पीक जर्मन, राइट? सो इक कन डॉयच स्प्रेकन, फाइन। सो इसका कंजुगेशन है इक कन डू कंस्ट, एर जी एस कन, अगेन डोंट से इट कान, इट्स शॉर्ट वोवल कन, या क्योंट, इट्स क्योंट, राइट, या क्योंट, एंड देन अगेन वी आर जी एंड बड़ा जी क्योनेन। नाउ कमिंग टू ड्यूरफेन, ड्यूरफेन इज जैसे इंग्लिश में मे होता है ना, मे आई कम इन, मे आई गो टू सिनेमा टुडे इवनिंग, डार्फी होइट आबेन इन स्किनो गेन, फाइन। सो ड्यूरफेन का इश का डार्फ, डू का
डार्फ्ट एंड देन एर जी एस का अगेन डार्फ। सो मॉडल वर्ब में ये चीज याद रखनी है कि जो इश का कंजुगेशन होता है वही एर जी एस का होता है, राइट? इट डजंट चेंज। ईयर का ड्यूर्फ्ट, हियर इट इज ड्यूर्फ्ट, एंड देन लास्ट वाले तीनों अगेन हियर जी एंड बड़ा जी ड्यूर्फ्ट। नाउ जो मॉडल वर्ब्स के जो रूल्स हैं वो बड़े जरूरी है, ठीक है? सो आई एनलिस्टेड देम हियर। मॉडल वर्ब इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, मतलब सेकंड पोजीशन पे यही आएगा और कंजुगेट इस कंजुगेशन इसी का होगा, राइट? सेकंड पोजीशन पे यही वर्ब आएगा और कंजुगेशन इसी का होगा, और जो मेन वर्ब है वो सीधे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है? और वो रहेगा इन्फिनिटिव फॉर्म, राइट? सो दैट वाज सेकंड रूल। थर्ड रूल इज दैट जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, सो इस तरीके से किस जर्मन के किसी भी मॉडल वर्ब में टू के लिए सू नहीं लगाने का, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। फोर्थ रूल, मेन वर्ब गोज इन द एंड, राइट? एंड द मेन वर्ब ऑलवेज अपियर्स इन द इन्फिनिटिव फॉर्म, राइट? तो ये हो गए हमारे रूल्स। फाइन, अभी देखते हैं एक एक करके इसके अप्लीकेशंस एंड एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक वोलन, लाइक वोलन इज टू वॉन्ट, इंग्लिश का ये वॉन्ट है। जैसे मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न जर्मन। Ich will Deutsch lernen, ich will Deutsch sprechen, ich will Deutsch schreiben, ich will Fußball spielen, in that sense, right? So, ये क्या इंडिकेट करता है? एन एन वंश, डेयर वंश, आर्टिकल भी देख लीजिए, डेयर वंश एंड डेयर विला। सो वंश इज विश, विला इज विल, इफ यू हैव सम विल डिजायर, सो इन दैट सेंस वी यूज वोलन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इच विल टी ड्रिंक, आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ। एर विल फूसबल स्पीलर। सो आप देखते जाइए सब में आपको मेन वर्ब जो है एंड में मिलेगा, एंड एज यू डेवलप द फील फॉर द लैंग्वेज, फील फॉर द जर्मन लैंग्वेज, ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा अभी, फिर इंग्लिश अजीब लगेगा, राइट? सो एर विल फूसबल स्पीलर। जी वोलेन बियोलॉजी स्टूडियर, दे वॉन्ट टू स्टडी बायोलॉजी। वोल्टियंस जिनोगे हैं, अभी इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिंपल, सेकेंड वर्ब पे जो हमारा कंजुगेटेड वर्ब था दैट विल गो इन द फर्स्ट पोजिशन, बाकी चीजें जैसे थी वैसे रहेंगी। ये बन गया क्वेश्चन, फाइन। वोल्टियन स्क्रीन अगेन मीन्स क्या तुम लोग सिनेमा जाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गो टू सिनेमा। नाइन, वी हैव वोलन स्विमिंग गेम, नो वी वॉन्ट टू गो स्विमिंग, सो स्विमिंग गेम, गो स्विमिंग इन दैट सेंस स्विमिंग गेम, और कुछ नहीं लगने का, राइट? वी हैव वोलन स्विमिंग गेम, वी वॉन्ट टू गो स्विमिंग। द किंडर वोलन बॉर्न बॉन एसन, एसन इज टू ईट, द किंडर वोलन बॉर्न बॉन एसन। किंडर क्या है? द स्किन का प्लूरल, सो द चिल्ड्रेन वॉन्ट टू ईट बॉर्न बॉर्न। कारोलिना विल शाउ स्पीलर इन वेडन, शाउ स्पीलर इन क्या है बाबा? ठीक है, ये लास्ट में ई एन आई एन आया है, इसको क्या कर दिया? फेमिनिन, सो एक्ट्रेस, शाउ स्पीलर इन इज एक्ट्रेस। इसके रिलेटेड और भी चीजें आपको मिलेंगी वो कैब के सेक्शन में, जिसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। प्रोफेशंस, करोलिने विल शाउ स्पीलर इन वर्ल्ड, करोलिने वॉन्ट्स टू बिकम एक्ट्रेस, राइट? सो वोलेन का मेन एप्लीकेशन यही है, इट शोज डिजायर विल विश, आप क्या करना चाहते हैं, बस ये समझ लीजिए। नाउ विल मूव टू द सेकेंड वर्ब, दैट इज क्योनेन। क्योनेन इज कैन, जैसे इंग्लिश में कैन होता है ना, ये मैं कर सकता हूँ, तो इसके एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है? इनको भी समझ लेते हैं। फेहिकाइट, फेहिकाइट मीन्स एबिलिटी, इट शोज योर एबिलिटी, आप ये काम कर सकते हैं क्या? अगर आप बोलते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं कीबोर्ड बजा सकता हूँ, दैट मीन्स इट शोज योर एबिलिटी। एरलाउबनेस मीन्स परमिशन, कैन आई गो टू सिनेमा? एक्चुअली ऑफिशियली इफ यू सी इट शुड बी लाइक मे आई गो टू सिनेमा, दैट इज द प्रॉपर इंग्लिश, एंड प्रॉपर इसमें भी देखा जाए तो डार्फिश डार्फिक इन स्क्रीन अगेन ऐसा होना चाहिए, बट कोलोक्वियली या ओवर द टाइम ऑफ पीरियड लैंग्वेज इज कीप चेंजिंग, फाइन? उसके फंक्शंस, वर्ड्स के फंक्शंस चेंज होते रहते हैं। सो कैन का भी इस्तेमाल इंग्लिश में भी कर लेते हैं और क्यूनेन का इस्तेमाल जर्मन में भी कर लेते हैं परमिशन के लिए, अलाउडनेस के लिए, राइट? सो दैट वॉज सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड इज म्योगली काइट, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। इट कैन रेन, इट कैन रेन टूडे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, सो पॉसिबिलिटी के रूप में भी आएगा। लास्ट वन इज श्लूश फोल्गेडो मीन्स कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल जस्ट गिव ए वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए चार चार बच्चे रोज शाम को पार्क में जाके फुटबॉल खेलते हैं,
स्टेडियम में जाके फुटबॉल खेलते हैं। तीन तीन बच्चों ने देखा कि एक तो नहीं आया है, पीटर नहीं आया। सो पीटर इज होइटे नेक्स्ट इम पार्क, एरकन एरकन नोच हाउसेज हैं, वो पक्का घर में ही होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एक तरीके का कंक्लूजन निकाल रहे हैं, आज पार्क में नहीं है तो पक्का घर में ही हो, राइट। सो इन दैट सेंस नाउ लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। इश्कन डॉयच स्प्रेकेट, यहाँ पे क्या है, एबिलिटी। अगेन लुक एट द स्ट्रक्चर, द वर्ब इन द सेकेंड पोजिशन, यहाँ पे कंजुगेटेड वर्ब इज द मॉडल वर्ब एंड स्प्रेकन गोज इन द एंड, ऑब्जेक्ट उसके पहले। एरकन डॉयच स्प्रेकन, यू कैन से एरकन स्प्रेकन डॉयच, वो इंग्लिश का इंटरफेरेंस होता है, राइट। कंस डू आउक डॉयच स्प्रेकन, अभी कंस को हमने पहले ला दिया तो क्या बन गया, क्वेश्चन, इट बिकम्स ए क्वेश्चन दैट। कंस डू आउक डॉयच स्प्रेकन, कैन यू ऑल्सो स्पीक जर्मन, यहाँ पे क्या है, अगेन एबिलिटी। एरकन काइन डॉयच स्प्रेकन, यू कैन स्पीक एनी जर्मन, यू कैन स्पीक जर्मन, सो अगेन एबिलिटी। ईयर कॉन्ट ईयर क्योंट गुड डॉयच, अभी ये क्योनन का एक एप्लीकेशन ऐसा भी है कि बिना, कभी कभी हम बिना मेन वर्ब के भी यूज कर देते हैं, फाइन। इसका फंक्शन ऐसे में हेल्पिंग वर्ब का होता है, बट हम कभी कभी इसको बिना मेन वर्ब के भी यूज कर देते हैं। इक कन डॉयच मीन्स आई कैन स्पीक रीड एंड राइट जर्मन, सो ईयर क्योंट गुड डॉयच, यू ऑल कैन स्पीक गुड जर्मन। वी क्यों इन इन स्कीनो गेन, अब ये क्या है, वी क्यों इन स्कीनो गेन, सो दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। सपोज दो तीन दोस्त हैं, उसमें से किसी ने पूछा आज हम क्या करने वाले, वस माकन वी होइटर, देन समबडी सेज वी क्यों इन स्कीनो गेन, सो दैट इंडिकेट्स अ पॉसिबिलिटी, इसमें एबिलिटी की कोई बात नहीं। वर्म वोलेंस इन ओन्स नेक्स्ट अलाउ देन, फाइन। सो व्हाई डू यू नॉट वांट टू अलाउ अस, अलाउ देन इज टू अलाउ। डू कंस्ट इन स्कीनो गेन, यहाँ पे क्या है, डू कंस्ट इन स्कीनो गेन, यू कैन गो टू सिनेमा, दैट मीन्स यहाँ पे इट बिकम्स परमिशन, इट इज जस्ट लाइक यू मे गो टू सिनेमा, यू आर अलाउड टू गो टू सिनेमा, राइट। सो दिस बिकम्स परमिशन हेयर, यहाँ क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी जैसी कोई बात नहीं है। इफ यू कैन गो टू सिनेमा देर इज नो एबिलिटी इन्वॉल्व इन दिस, राइट। इफ हैव ए काइन आउटो, लुक एट दिस सेंटेंस, इफ हैव ए काइन आउटो आई हैव नो कार, फाइन। सो इफ कैन आई टैक्सी नेम, इफ हैव ए काइन आउटो इफ कैन आई टैक्सी नेम, आई हैव नो कार आई कैन टेक ए टैक्सी, यहाँ पे क्या है आपको एक पॉसिबिलिटी मिल, राइट। हे यू डोंट हैव ए बाइक देन यू कैन टेक ए टैक्सी, राइट। सो दिस इंडिकेट्स ए पॉसिबिलिटी। पीटर इज नेक्स्ट इन पार्क, पीटर इज नेक्स्ट इन पार्क, पीटर इज नॉट इन द पार्क, एरकन नोअ्स हाउसेज आई, ही कैन ओनली बी एट होम, जाइन इज टू बी, फाइन। सो दिस इज ऑल्सो यूज विथ मॉडल वर्ब्स, हैव एंड जाइन ये भी यूज होते हैं, राइट। एरकन नोअ्स हाउसेज आई, एट होम के लिए हमेशा सु हाउसे का फ्रेज लगाएंगे, ठीक है। सो ही कैन ओनली बी एट होम इन दैट सेंस। नाउ विल टेक द थर्ड वन फॉर द डे, सो दिस इज ड्यूरफेन, ड्यूरफेन इज लाइक मे इन इंग्लिश, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, उस तरीके से मे आई गो टू सिनेमा। सो अलाउडनेस, इसके अप्लीकेशन क्या है, फंक्शन किस किस रूप में आते हैं, अलाउडनेस इज परमिशन, फेरबोट प्रोहिबिशन, जब नेगेटिव में होता है तो ये फेरबोट होता है, जिसको मना ही बोलते हैं, ये आप काम नहीं कर सकते। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। मामा डार्फिक इन स्किनो गए, बच्चा पूछ रहा है मम्मी से, मामा डार्फिक इन स्किनो गए हैं, यहाँ पे जो ड्यूरफेन है क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका कंजुगेशन डार्क बन गया और फर्स्ट पोजिशन में आ गया, तो इट्स अ क्वेश्चन। मामा डार्फिक इन स्किनो गए हैं मीन्स मामा मे आई गो टू सिनेमा, कैन आई गो टू सिनेमा, इंग्लिश में भी कैन लगा देते हैं हम लोग, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ, सो इट इंडिकेट्स परमिशन। डू डार्फ स्निफ फेनजेन, यहाँ पे इट बिकम्स फेरबोट प्रोहिबिशन, डू डार्फ स्निफ फेनजेन, फेनजेन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ये है टीवी देखना, सो टीवी अलग से नहीं लगाना, फिर जेन अलग से नहीं लगाना, फेनजेन इट्स जे फेन एंड इट इज सेपरेबल, दैट विल डू इट, इट्स अ सेपरेबल वर्ड, फेनजेन का मतलब ही है टीवी देखना, सो डू डार्फ स्निफ फेनजेन, तुम टीवी नहीं देख सकते हो, सो दिस इज फेरबोट। ए डार्फ मोटर आर फार है, नाउ अगेन इट्स अ परमिशन, इज अलाउड टू राइड अ बाइक, राइट। डू डार्फ ए डार्फ मोटर आर फार है, ऑन अ फ्यूरर शाइन ड्यूरफिन वी आर काइन आउट ऑफ फार है, ये थोड़ा सेंटेंस बड़ा लग रहा होगा बट अगेन बहुत बड़ा नहीं है।
ओन ए फ्यूरर शाइन, व्हाट इज फ्यूरर शाइन? ड्राइविंग लाइसेंस। ओन इज विदाउट, फाइन, वी हैव डन इट इन द प्रीपोजिशन ऑन एंड मिट देम अकुसेटिव, राइट, जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो। ओन ए फ्यूरर शाइन विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ड्यूर फिन वी आर काइन आउट ऑफ फॉरन, वी कैन नॉट ड्राइव विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, फाइन, वी आर नॉट अलाउड टू ड्राइव ड्राइव विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, सो ड्यूरफिन इंडिकेट्स अगेन। परमिशन, राइट, परमिशन, सो डिनाइड परमिशन इज अगेन फिर बोट, राइट। ये ड्यूर्फ नेक्स्ट लांगे श्लाफ है, ये ड्यूर्फ, ये का कंजुगेशन ड्यूर्फ, ये ड्यूर्फ नेक्स्ट लांगे श्लाफ है, यू कैन स्लीप फॉर लॉन्ग, तुम ज्यादा देर तक नहीं सो सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा नहीं सोने की मनाही है, राइट। सो वी जस्ट कवर्ड थ्री ऑफ द सिक्स वोडल वर्ब्स, और जो तीन बच्चे हैं उनको अगले सेशन में करेंगे हम, ठीक है, अदरवाइज काफी लंबा हो जाएगा, और एक साथ से कर लिया तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है। सो जस्ट प्रैक्टिस एंड रिवाइज दिस थिंग्स एंड गो टू कम्युनिटी पेज, उस पे मैं कुछ क्विज भी डाल दूंगा, उसको देखिए। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ विदर्स एड।